हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका भर्जी ब्लॉग में और मेरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सात्विक के साथ। ये देखिए, सो के उठ के अभी आया है, मेरी गोद में चिपक गया तो मैं इसे अंदर लेके गई। मैंने कहा मैं तेरे लिए दूध बना के लाती हूँ, तो ये अपने पापा के पिल्लों में लेट गया कि मुझे पापा के पिल्लों में सोना है ऊपर। तो मैं समझ आ कर रही थी ला मुझे दे दे पिल्लो, फिर नहीं 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 मैं सोऊंगा। तो मैं सात्विक के लिए दूध और अपने लिए चाय बना के लाई हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो ये जिद करने लग गया मुझे भी बिस्कुट खाना है, मुझे दूध नहीं पीना। अब वो भी नहीं खा रहा है, ये सोचिए। इसको सुबह इतने हाथ पर जोड़ने पड़ते हैं इस दूध के लिए, पर ये दूध पीने का नाम नहीं है। किस किस के बच्चे इतने परेशान करते हैं खाना खाने के नाम पर। और ये है मेरे पतंजलि का पैकेट पूरा बिस्कुट का, हम सब पतंजलि यूज़ खाते हैं यार। ये मेरा फिर सिर दर्द वाला काम शुरू स्टार्ट सुबह से, मेरा तो कोई काम ही नहीं है सुबह सुबह। इसके अलावा फिर रोज़ का रूटीन स्टार्ट हो गया, फिर मैं कपड़ों में प्रेस करती हुई अपना सिर फूकती हुई। हाँ यार, परेशान हो जाता है यार लाइफ ना, मतलब रोज़ की एक लाइफ कुछ यूनिक होता ही नहीं ज़िंदगी में। संडे हो चाहे मंडे हो, सब एक जैसा होता है, सारा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरी प्रेस ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पता नहीं क्यों जल्दी से हीट करने लग जाती है। सब पानी वाला सिस्टम भी है बट ये ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसे मुझे थोड़ी देर में ना गर्म करके फिर बंद करनी पड़ती है, तब जाके प्रेस होती है। अगर मैंने अगर छोड़ दी ना, वैसे है ऑटोमेटिक अपने आप ही लाइट भी जलती है बंद हो जाती है, पर ये गर्म होती है तो इससे कपड़े जल जाते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ बंद और कॉल करती रहती हूँ बार बार। अगर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना यार। ये देखिए सामने साथी का कितने बड़े कॉलेज बना रखे, हमने दो तीन दो ही बनाए हुए, एक बड़ा एक छोटा। अच्छा लगता है यार, छोड़ो एक दिन से और एक साल तक का बना रखा है पूरा बड़ा कॉलेज। और ये देखिए यहाँ जोर लग रहा है, पूरा जोर लगा के हाई सा, जोर लगा के हाई सा, उफ थक गई। दिमाग ख़राब हो गया, मैं सब चिपक जाता है ना सूट में, दिमाग खराब होता है। और ये देखो मेरे पति के काम, मतलब मैं यहाँ प्रेस करके रखूँ कपड़े अच्छे से, और ये बेल्ट इनकी है, और इन्होंने नहा के आगे देखना कपड़े कैसे फेंके। ये देखो, और ये देखिए हमारा जुगाड़ दरवाजे के पीछे लगा रखे कपड़े टांगने का, और उसमें कपड़े कौन कौन टांगता है ऐसे भी जरूर बताना। और एक चीज़ और दिखाते अपने हस्बैंड के नहाने के बाद, ये देखिए लोग खाना अपने आप आते हैं, ये तौलिया को खिलाते हैं डाइनिंग में, गिल्ला तौलिया रख दिया, हेलमेट रख दिया, तो दिमाग ख़राब होता है ना कि मैंने ये तौलिया बाहर डाला धूप में, तनी क्या मिलता है इन लोगों को ऐसे करके। ये मेरा घोड़ा गाड़ी, ये मेरा साथी, मेरा हाथी, ये देखिए कितना सीधा बच्चा, और ये ऐसे भागा मेरे बगल से कि मेरी मम्मी पकड़ना रहे, और ये देखो क्या रॉकेट की तरह ऐसे भागता है ना ये रॉकेट की तरह, मतलब कोई बोल भी नहीं सकता। ये देखिए इसके पापा के कपड़े का साइंस, ऊपर से कमीज और नीचे से लोअर कलवा है, इसके छोटे दादाजी है। ये देखिए पानी का लोटा लेकर, ये देखिए मेरे पति देव का साइंस, कुछ भी। ये अब मुझे मस्का लगा रहा है कि प्लीज़ मम्मी मुझे दूध दे दो, मुझे अब भूख लगी। मैंने कहा नहीं नहीं दे रही माँ, तेरे को भूख नहीं लगी, वो रखी हुई तो मेरी बोतल प्लीज़ दे दो ना, दे दो वो रखी दे दो। मैंने कहा नहीं मैं दूँगी, फिर पीछे पड़ गया। तो मैंने कहा जा लेट जा मैं दूँगी, अब देखना कितनी जल्दी जाके लेटेगा, क्योंकि इसे अब भूख लग गई ना इसलिए अब ये लेटेगा। ये देख पिल्लो पुल्लो लेके पूरा लेट जाएगा बोझ बना के अपना, ये तो ऐसे इसको सुलाते रहो ना, रोता रहेगा ड्रामा करता रहेगा इधर उधर भागता रहेगा। देखो और एक ये पैकेट वालों ने इतना लूट मचा रहे कि सामने एक एक रुपये की भी नहीं होगी, पचास पचास पैसे की गाड़ियाँ डाल के बच्चों को लूट रहे हैं। अब बारी आ चुकी है चौधर बिछाने के, तकिए की हालत देखो, तकिए को लमोड़ लमोड़ के मार मार के सुला रहा। बच्चे को सुलाते हैं, मेरे पति तकिए को सुलाते हैं। यहाँ देखो तकिए के नीचे क्या रखा हुआ, बिल्कुल कैप लोग पैसा रखते हैं, कैप रखी जो कोई चोरी करके ले जा रहा हो ये सोना चांदी को। ये देखिए ये देखिए अब लगाए धोबी गार्ड खुलेगा, अब ये देखो ये देखो ये देखो ये रोज सुबह का एक ही रूटीन, कुछ तो अलग दो यार, कुछ तो अलग दो। क्या होता है यार औरतों की ज़िंदगी में, रोज़ वो झाड़ू वो चा खाना पीना बिस्तर झाड़ ये करो कर ये करो, बड़े कपड़े दो बर्तन दो, बस फिर दिन में भी फिर रात को भी तंग आ जाते हैं यार इस काम से, तंग मतलब इतने परेशान हो चुके हैं इस काम को देख देख के ना,
खून खोलता है कभी कभी कभी, यार कुछ तो अलग हो यार, संडे को तो अलग हो, संडे को भी अलग नहीं होता, संडे को भी सुबह और ज़्यादा काम भाई। मेरा तो संडे लोग बोलते हैं, फंडे मेरा क्या बोलूँगा, बहुत ही बेकार डे होता है संडे। तो हमें चादर बिछी की है पूरी, और यही अगर कोई आदमी कर रहा था ना ये चादर बिछाना काम, यही कितना अच्छा आदमी यार उसका, कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितनी हेल्प करता है, और हम ऐसी बस परेशान हो जाते हैं अच्छी इस काम को कर करके यार। और ये मेरा पांडा, मेरा नहीं साथी का पांडा, ये हम साथी के लिए लाए थे, साथी 2-3 महीने का था ना, और अब जाके साथी इससे खेलने लगा यार। मेरे साथी तो बहुत दंगाई है, किस किस के बच्चे दंगे हैं जब भी बताना, दंगे तो सभी के बच्चे होते हैं, हद से ज़्यादा वो बताना। ये बिच्छू के लिए चादर ही लग गया था क्या, अभी ये थोड़ी देर के लिए सही है, उसके बाद तो ऐसे फेंकते हैं ना इसे बहुत ज़्यादा। तो चलो भाई गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब मैं चलती हूँ साथी को स्कूल छोड़ने, बाय।